वेलकम टू डिजिटल टेक। सो माय नेम इज फैसल मजर। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड जो क्या होता है और इसके अंदर ये सब चीजें होती हैं जो अपडेट, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, इन सब के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ, बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिनको वेबसाइट के जो डैशबोर्ड होता है एडमिन एरिया का, उससे वो फेमिलियर नहीं होते हैं। और इवन बहुत सारे क्लाइंट भी ऐसे होते हैं, मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी ऑनलाइन स्टोर को खुद रन करें, लेकिन वो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड होता है उससे वो इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, तो उनको चीज़ों की समझ नहीं आती। ये स्पेशली मैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो चलते हैं हम ब्राउजर में और चेक करते हैं इस कैसे रन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी डोमेन का नाम यहाँ लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ demo.digitaltechsoul.com/wp-admin। ये लिख के आपने सर्च करना है। इसके बाद आपने अपना यूजर नेम यहाँ पे देना है और पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे और लॉग इन कर देंगे। लॉग इन करके जब एक लेआउट जो आपके सामने आएगा, वो आप ये देख रहे हैं, ये आपका वर्डप्रेस का एक पूरा डैशबोर्ड है। आपकी पूरी वेबसाइट यहीं से बनती है, यहीं से मैनेज होती है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं होम का बटन, ये आपको पता है बाय डिफॉल्ट हर जगह पे होता है होम। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये अपडेट का बटन, इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे वेबसाइट की जितनी भी अपडेट हो, चाहे वो वर्डप्रेस के वर्जन की अपडेट हो, चाहे वो प्लगइन की अपडेट हो, चाहे वो थीम्स की अपडेट हो, ये सारी अपडेट जो होती हैं वो आपके इस एरिया में आती हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम क्या होते हैं। उसके बाद नीचे अगर आए तो पोस्ट, आप पोस्ट जो होती है वो होती है ब्लॉग। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं ब्लॉगर हूँ, इस ब्लॉग पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको कहते हैं पोस्ट। वर्डप्रेस के अंदर जब भी आपने कभी ब्लॉगिंग करनी है तो आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, वो आप यहाँ से जाके लिखा करेंगे। और उस आर्टिकल की आपने कोई नीश है, हर आर्टिकल की कोई नीश होती है, उसकी कोई कैटेगरी होती है, वो आपने इस कैटेगरी पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे आपने कैटेगरी लिखनी है और सिंपल आपने पब्लिश कर देनी है, तो आपकी कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ पे आप कैटेगरी लिखेंगे कोई, यहाँ से सीधा आप ऐड न्यू कैटेगरी कर लेंगे। इसी तरह आपने कोई न्यू पोस्ट करना चाहते हैं, आप ऐड न्यू पोस्ट करें पे क्लिक करेंगे, टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे और उसके बाद वो आपको पब्लिश कर देंगे, तो वो पब्लिश हो जाएगी। इसी तरह अगर नीचे आए तो ये मीडिया है, ये मीडिया होता है मतलब आपकी पूरी वेबसाइट की जितनी भी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, बैनर, ये सारा कुछ जो होता है ना वो इस मीडिया में जाके स्टोर हो रहा होता है। उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पेजेस हैं, वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस बनते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म एंड कंडीशन, ये जितने पेजेस हैं सारे इस पेजेस के अंदर से बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कमेंट्स। आपने देखा होगा अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट होता है, उसके नीचे लोग जो है अपने राय का इजहार कर सकते हैं, उसको कहते हैं कमेंट्स। इसी तरह ब्लॉगिंग के अंदर भी नीचे पोस्ट पे कमेंट करने का ऑप्शन होता है, वो जितने भी कमेंट्स हैं वो आपके सारे इस कमेंट्स के एरिया में शो होंगे। उसके बाद नीचे अगर आ जाए तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा एलिमेंटर टेम्पलेट या एसेंशियल एडोन। ये एक प्लगइन है जिसकी वजह से वेबसाइट की थीम में ऑप्शंस बिल्ड होती हैं। उसके बाद आप अपीयरेंस पे देखें, इसके नीचे अपीयरेंस लिखा आ रहा है। अपीयरेंस के अंदर थीम्स, ये यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट का थीम जो है ना रिलेटेड टू योर नीच आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कस्टमाइज। कस्टमाइज में आप वेबसाइट की जितनी भी कस्टमाइजेशन करनी हो, इमेज कलर चेंज करना हो, फॉन्ट का साइज कम करना हो, ये सारा कुछ आप कस्टमाइज से कर सकते हैं। विजिट्स जो है ना, ये होता है कि क्विक लिंक्स, जिस तरह के मतलब शॉर्टकट जगह पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं ताकि यूज़र पे की नज़र उस पर पड़े और फौरन वो क्लिक करे। मेन्यू जो होता है, आपको पता है कोई भी वेबसाइट होती है उसका जो आपको टॉप पे हेडर पे जो मेन्यू नज़र आ रहा हो वो यहाँ से क्रिएट करते हैं। उसके बाद हेडर आ रहा है, हेडर
आपको पता है किस तरह का होता है, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल से नेक्स्ट वीडियोस में। हर चीज को अलग अलग वीडियो बना के उसको अलग अलग तरीके से एलिब्रेट करेंगे। उसके बाद थीम एडिटर, थीम एडिटर ये होता है कि आप जो थीम इंस्टॉल करते हैं उस थीम को अगर चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स होता है कि वेबसाइट को एक्सटर्नल तरीके से मजीद सपोर्ट करने के लिए आप वर्डप्रेस पे जितनी भी वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्लगइन्स का होता है। हम एडवांस होते हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ें जो हमें कोई चाहिए होती है हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वो हमारी फंक्शनैलिटीज जो है ना वेबसाइट के साथ लिंक होती रहती हैं उस प्लगइन के थ्रू। तो सारे प्लगइन्स जितने भी होंगे वो आपके इस प्लगइन्स के एरिया में शो हो रहे होंगे। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये यूजर्स हैं। यूजर्स जो है ना बेसिकली होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे आप हैं यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। कोई और यूजर है, कोई ऐसी आप वेबसाइट रन कर रहे हैं जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रखा हुआ है, जब कोई और यूजर रजिस्टर होगा तो यहाँ पे उसकी यहाँ पे लिस्ट एक बन जाएगी। आपको पता होगा कि आपकी वेबसाइट पर कितने यूजर अब तक रजिस्टर हो चुके हैं और उनका रोल क्या है। उसी के बाद अगर नीचे आ जाए तो टूल्स, ये वेबसाइट की कुछ टूल्स होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए डेटा को यूज़ होते हैं, साइट की वेबसाइट की जो हेल्थ होती है इसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें, कोई एरर तो नहीं आ रहा टेक्निकल, ये सारी चीज़ें टूल्स में बताई जाती हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आ रहा है आपको नज़र सेटिंग। ये पूरे डैशबोर्ड और वेबसाइट की सेटिंग होती है। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है जनरल टैब। जनरल टैब के अंदर मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। जनरल टैब के अंदर आप कुछ साइट लाइन टाइटल टैग लाइंस ये होती हैं, मतलब आपकी कंपनी जो है उसका कोई स्लोगन्स होता है वो यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, यहाँ पे उसकी ईमेल आती है, और यहाँ पे मेंबरशिप देख रहे हैं एनी वन कैन रजिस्टर, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन ऑन रखी हुई है तो आप यहाँ से इसको चेक करेंगे तो कोई भी यूज़र उस पर रजिस्टर हो सकता है। उसके नीचे रोल बताया हुआ है, इस डिफॉल्ट रोल का जो लिंक है ना वो इस रजिस्ट्रेशन के साथ है, ये बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर है। कोई भी यूजर जब साइन अप करेगा आपके रजिस्ट्रेशन में तो वो बाय डिफॉल्ट एज अ सब्सक्राइबर रजिस्टर होगा उसके साथ। यहाँ से आप वेबसाइट की लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे टाइम जोन आ रहा है, उसके नीचे डेट का फॉर्मेट आ रहा है और टाइम का फॉर्मेट आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है राइटिंग। राइटिंग के देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे बता रहा है कि जो पोस्ट मैंने जो पोस्ट की आपसे बात की थी इसमें जो कैटेगरी बनाते हैं हम कोई न्यू, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आपने कौन सी कैटेगरी रखनी है, तो अनकैटेगराइज इसमें सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको छोड़ने की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वो पूछ रहे हैं कि पोस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो भी स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट सेट है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह जो पूछ रहे हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि डिफॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूजर्स, क्लासिक एडिटर या ब्लॉक एडिटर। अब ये दो पेज के एडिटर हैं, इसको भी आपने पर डिफॉल्ट रहने दें, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन सबको डिटेल से मैं आगे बताऊंगा कि क्लासिक एडिटर का लेआउट कैसा होता है, ब्लॉक एडिटर का लेआउट कैसा होता है। उसके बाद अगर लिखा आता है अलाउ यूजर टू स्विच एडिटर, ये कह रहा है कि किसी स्विचर को स्विच करना हो, यूजर को स्विच करना हो एडिटर को, तो वो कर सकता है कि नहीं, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दे, किसी भी चीज़ को यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग में आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर आप बाय डिफॉल्ट जो है योर लेटेस्ट पोस्ट ये सिलेक्ट होता है, अगर आप इसको रखेंगे तो आप जब भी अपनी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट किसी पोस्ट पे आपका पेज चला जाया करेगा। अगर आप स्टैटिक पेज पे क्लिक करते हैं तो आप होम पेज अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप ब्लॉग का पेज भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। ये पोस्ट पेज जो होता है ये ब्लॉग के लिए होता है, होम पेज कौन सा होता है कि जैसे ही कोई लोगो पे आप क्लिक करें तो वो आपका डायरेक्ट होम पेज पे चला जाए। इसी तरह नीचे बता रहा है कि आपको होम ब्लॉग के जो पेज है उस पर कितनी पोस्ट शो करवानी है एक पेज पे। इसी तरह ये फुल टेक्स्ट आपने शो करवाना है, समरी शो करवानी है, ये डिफरेंट चेंजेस है। ये डिस्कशन के अंदर भी ये वेब पोस्ट सेटिंग कमेंट की सेटिंग कर सकते हैं आप, सारी डिटेल से सब चीज़ें बताई हुई हैं। इसी तरह मीडिया की
बात की थी जो मैंने आपसे, कि इसमें विड इमेजेस सब कुछ यहाँ पे लोड होती हैं, उसकी साइज के यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, थंबनेल का साइज आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मीडियम साइज आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लार्ज साइज आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसी के बाद लास्ट चीज आती है इस पूरे डैशबोर्ड के अंदर, परमालिंक्स। ये परमालिंक्स जो होते हैं ये बाय डिफॉल्ट डे एंड नाइट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये यूआरएल है वो इस शक्ल में शो होगा कि जिसमें ये डेट्स वगैरह भी आ रही होंगी। जो हम रखते हैं बेसिकली वो रखते हैं पोस्ट है, ताकि सिंपल .com/ आगे पेज का नाम या पोस्ट का नाम आ जाए। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है, तो आप पोस्ट नेम यहाँ से सेलेक्ट कर दें और बस इसको आप सेव चेंजेस कर दें। वापस अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये आपका एक प्रॉपर डैशबोर्ड था, जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, जो भी वेबसाइट से रिलेटेड है, जिनका बिजनेस है या जो कोई डेवलपर है उसके लिए। ये एक डैशबोर्ड है जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। अगर ये चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं तो मैं ये भी बता देता हूँ ये चीज़ें कहाँ से ख़त्म होंगी, ऐड होंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन शॉट पर क्लिक करें, ये देख रहे हैं जितनी चीज़ें भी लिखी हैं यहाँ से, मैं बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं ख़त्म करूँ तो ये इसको अनचेक कर दें आप, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। ये एक्टिविटी को आप ड्रैग करके यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, और वेबसाइट को अगर आपने लाइव व्यू करना है तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड टॉप पे देखें तो विजिट साइट लिखा होगा, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट के लाइव व्यू में चले जाएंगे। ये थी आज की वीडियो ओवरव्यू ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। मजीद इस तरह की वीडियो अपलोड होती रहा करेंगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हर तरह की वीडियो जो है वो आपको मौसूल होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।